फरुखाबाद में दिवाली से पहले एक अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। एसओजी और सर्विलांस टीम ने लोधी महासभा के जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम वर्मा के गेस्ट हाउस पर छापेमारी के इस दौरान बड़ी मात्रा में आतिशबाजी बनाने का सामान बरामद हुआ। मुख्यमंत्री मोहन यादव के कुंभ नगरी उज्जैन में साधु संतों को स्थायी आश्रम बनाने के फैसले को लेकर साधु संतों में खुशी की लहर है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संतों की बात को सुना, जो संतों ने कहीं सालों से अपनी बात रखी थी, उसका निर्णय कल सोमवार को महाकाल नगरी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुना दिया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, जितने भी साधु संत हैं, जो भी उज्जैन में निवास करते हैं, वो अपना यहाँ आश्रम बना सकते हैं। केदारनाथ विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी हो गई है, जिसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहरवार ने उखीमठ तहसील कार्यालय में केदारनाथ विधानसभा उपनिर्वाचन 2024 की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी अनिल कुमार शुक्ला को निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्नाव के रानीपुर गांव में शिव मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर मुस्लिम समुदाय का विरोध सामने आया है। जिलाधिकारी ने एसडीएम सतर से रिपोर्ट तलब की, जिसके बाद जांच टीम मौके पर भेजी गई। पैमाइश में जमीन आबादी की पाई गई। झांसी में मेडिकल कॉलेज रोड पर नगर निगम की टीम ने मंगलवार को अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया, जिससे हड़कंप मच गया। इस सड़क पर दुकानों में गुमटी और ठेले लगाकर अतिक्रमण कर रखा था, जिससे जाम की स्थिति बनी रहती थी। नगर निगम ने कार्रवाई के दौरान सभी दुकानों को चेतावनी दी कि भविष्य में अतिक्रमण करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरदोई में 550 से ज्यादा नकली यूरिया खाद और डीएपी बरामद की गई है। एसडीएम संडीला सीओ कृषि अधिकारी ने मिलकर कार्रवाई की, जिसमें संचालक आदिल भाग्या बता दें कि संचालक बिना लाइसेंस के मिलावटी खाद और का कारोबार कर रहा था। अधिकारियों ने डीएम को सूचना दी और संचालक के गोदाम को सीज कर दिया गया। गांव के बाहर संचालित अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, जहां बड़ी मात्रा में असले बनाने के उपकरण बरामद किए गए। 4 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार किए गए और 6 बने और अधबने तमंचा सहित कारतूस भी बरामद किए गए। हरदोई में अज्ञात वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों एक ही बाइक पर सवार थे। शाहबाद सीएचसी में डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पौड़ी में पूर्व आईएएस अधिकारी सुंदरलाल मंद्रवाल ने समस्याओं के निस्तारण के लिए अपना कार्यालय खोला है। इस कार्यालय में जनपदवासियों की समस्याएं शासन स्तर पर हल की जाएंगी। कार्यालय के शुभारंभ पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने मंद्रवाल की सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि उनका अनुभव जनता के लिए फायदेमंद होगा। कार्यालय का उद्घाटन हुआ, हमारे सभी कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है और सभी लोगों के लिए उचित प्लेटफॉर्म बना है कि इस कार्यालय में लोग अपनी शिकायतों को, अपनी समस्याओं को दर्ज करा सकते हैं और हमारे पदाधिकारीगण उनकी शिकायतों के लिए, उनकी तकलीफों का निवारण करने के लिए उनके साथ यहाँ से जिला मुख्यालय है तो बड़े जो अधिकारी यहाँ बैठते होंगे उनके पास जाकर उनकी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। गाजियाबाद में एसीपी रितेश त्रिपाठी ने नवयुग मार्केट में एक गोदाम पर छापेमारी कर लाखों रुपए के अवैध पटाखे जब्त किए। पुलिस को सूचना मिली थी कि रिहायशी इलाकों में दिवाली के त्यौहार के लिए पटाखों का भंडारण किया गया है। लगभग 100 कार्टन पटाखे बरामद हुए हैं। गाजीपुर के जमानिया कोतवाली क्षेत्र में सोमवार को मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने अंग्रेजी शराब के सेल्समैन मनीष पांडे से चाकू की नोक पर 4,54,330 रुपए की लूट की। मनीष ने ये पैसे ढाणी की दुकान से चाकू की नोक पर 4,54,330 रुपए की लूट की। ये जानकारी शराब दुकान के मैनेजर जितेंद्र कुमार ने दी। लुटेरे घटना के बाद फरार हो गए। गाजियाबाद के शालीमार मॉडर्न थाना पुलिस ने नाबालिग का अपहरण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने लड़की को सोशल मीडिया पर दोस्ती के जाल में फंसाकर अपहरण किया और फिरौती मांगी। पुलिस ने नाबालिग को सुरक्षित बरामद कर लिया है, जबकि आरोपी को बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। मिर्जापुर के विंध्याचल स्थित एक लॉज में सफाई कर्मी का संदिग्ध अवस्था में शव मिला और उसके पास से आपत्तिजनक सामान भी मिला। जांच में पता चला कि महिला मृतक के दोस्त की पत्नी थी, जिसने बाद में जहरीला पदार्थ खा लिया। उसे अस्पताल लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस दोनों के शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुटी है। कोटद्वार के तीलू रतेली चौक से प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटाया। शाम को जेसीबी चलाकर सब्जी और फल की दुकानों को ध्वस्त किया गया। लंबे समय से नोटिस मिलने के बावजूद अतिक्रमणकारियों ने कब्जे नहीं हटाए थे। तहसीलदार की मौजूदगी में की गई इस कार्रवाई के बाद खाली जगह पर अब नगर निगम और सरकारी वाहन खड़े किए जाएंगे।
झांसी में सरकार के निर्देश पर मिशन शक्ति फेज 5 के तहत जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जेडी पब्लिक स्कूल चिरगांव से हुआ। छात्राओं ने बाल विवाह, बाल आश्रम और बाल तस्करी के खिलाफ नारे लगाए। रैली नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण कर वापस विद्यालय पहुंचे।